सामने एक और सुपर ड्यूक जा रहा, पर वो थोड़ा पुराना वाला मॉडल है, क्योंकि मुझे कमेंट में काफ़ी बार ये चीज़ पूछी है कि भाई आप डेली व्लॉग स्टार्ट करो। तो भाई डेली व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकता, उसका एक ही रीज़न है, वो जब भी निकलता हूँ घर से एक ना एक मस्टैंग देखने को मिली जाती है। हाँ दे गुड, हाउ आर यू? या रेगुलर गैस ऑन पंप नंबर 10, $20। नो कॉइंस, नो कार वॉश, कैश। क्या हाल है सारों का? आई होप सारे खुश हो अपनी ज़िंदगी में। तो यार आज का व्लॉग डायरेक्ट गैस स्टेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूल अप करना था मुझे, तो सीधा गैस स्टेशन से आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और ऑलमोस्ट 12 लीटर मतलब 12.5 लीटर का फ्यूल डलाया, एंड अब चलते हैं बाहर घूमने फिरने। तो यार फ्यूल अप कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ बाहर। कोई रीज़न तो नहीं है, मतलब कोई काम वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही घूमने फिरने का मन कर रहा था, मौसम भी अच्छा है, तो बस एक छोटी सी राइड मारने जा रहा हूँ। तो मिलता हूँ आपको राइड में, आप मेरे साथ रहो, देखो, एंजॉय करो, और रास्ते में देखते हैं आज क्या मिलता है देखने के लिए। और ये हमारे सामने है मस्टैंग, पुरानी वाली मस्टैंग, मस्टैंग। इधर काफ़ी लोगों के पास मस्टैंग पड़ी हुई है, मतलब पुरानी नहीं, मस्टैंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, मतलब जब भी निकलता हूँ घर से एक ना एक मस्टैंग देखने को मिली जाती है। तो अभी मैंने यहाँ से जाना हाईवे पे, और हाईवे पे से जाऊँगा जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ, वो उस एरिया का नाम है मिसिसागा। आप लोगों को नहीं पता होगा कि मिसिसागा क्या चीज़ है, बस एक प्लेस का नाम है, तो दैट्स इट। तो उधर जा रहा हूँ मिसिसागा वाली साइड, तो मिलता हूँ फिर आपको हाईवे में। हाईवे पे एंट्री मारी नहीं, और आते ही मेरा स्वागत हो गया ट्रैफिक से, मतलब ये अच्छा वेलकम किया हाईवे ने। जैसे ही हाईवे पे एंटर करो वैसे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, आता है यार माए। यार मैं ना वैसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे कमेंट में काफ़ी बार ये चीज़ पूछी है कि भाई आप डेली व्लॉग स्टार्ट करो। तो भाई डेली व्लॉग इसलिए स्टार्ट नहीं कर सकता, उसका एक ही रीज़न है, वो है टाइम बिल्कुल नहीं है व्लॉग बनाने का। मतलब इंडिया में तो टाइम ही टाइम होता था, और कुछ हो ना हो टाइम काफ़ी होता था, क्योंकि घर वाले होते थे, सब साथ में होते थे ना। बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, सब कुछ, मतलब ए टू जेड चीज़ें जो एक इंडिपेंडेंट लड़का करता है या लड़की करती है अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उस चक्कर में ना व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं निकलता, तो इसलिए डेली व्लॉग तो अभी पॉसिबल नहीं है। बट हाँ कोशिश ये है कि हफ्ते का एटलीस्ट एक व्लॉग तो मैं अपलोड करूँ, है ना, ज़्यादा नहीं तो बट एटलीस्ट एक व्लॉग मैं हफ्ते का अपलोड करूँ। सामने एक और सुपर ड्यूक जा रहा, पर वो थोड़ा पुराना वाला मॉडल है, इसको पकड़ूँ यार, नहीं जा, मेरे को तेरे साथ राइड करना है यार। शेट, वो निकल ही गया, वो पुराना वाला सुपर ड्यूक था, इसको कैच करने की कोशिश करता हूँ मैं। हो जा ग्रीन जल्दी, अरे यार जल्दी करो, क्या कर रहे हो यार, स्लो क्यों चल रहे हो, थोड़ा तेज चलो। सुपर ड्यूक जा रहा पुराना वाला, इसने एग्जॉस्ट काफ़ी हैवी डलवा रखा हुआ। ओ यार शिट, बहुत ज़्यादा लाउड है, मेरा तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, इसका काफ़ी ज़्यादा लाउड है। ओ माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा लाउड है, इसके साथ चलूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा सुपर ड्यूक लाउड है यार इसका, मतलब मेरा कुछ भी नहीं है। और टायर देखो यार कितनी सही लुक लग रही है टायर की, यार काफ़ी सेक्सी है, काफ़ी सेक्सी है, काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, काफ़ी ज़्यादा। मेरा ड्यूक इसके सामने कुछ भी नहीं लग रहा, जितना खतरनाक ड्यूक उसका लग रहा ना, मेरा ड्यूक कुछ भी नहीं लग रहा उसके सामने।
यार उसका ड्यूक जो लग रहा था ना वो यार इतना ज्यादा लाउड था ऊपर से, छोड़ो पूछो मत। मेरा ड्यूक उसके सामने कुछ नहीं था, वो पुराना वाला ड्यूक था, मतलब 2000 जो जनरेशन 1 का था ना सुपर ड्यूक, वो था वो, मेरा लेटेस्ट है। बट फिर भी यार उसके ड्यूक की जो लुक आ रही थी ना मेरे वाले की, तो कुछ भी नहीं। मेरे वाले की कोई लुक नहीं थी यार उसके सामने, मतलब क्या बाइक थी यार, शिट। वो बंदा रुका नहीं, अगर वो मेरे साथ रुकता तो मैं उसका कॉन्टैक्ट ले लेता और फिर मे बी फ्यूचर में साथ में राइड करते, बट आई थिंक वो बिजी था और वो अपने रास्ते चला गया। बट दैट्स ओके, मदरचोद, शिट, फिर से गाली दे दी यार उसका ड्यूक। मेरे को यार उस बंदे के साथ राइड करना ही थी यार, शिट, निकल ही गया वो मतलब अपने रास्ते चला गया, मैं अपने रास्ते। बट सपोज करो दो ड्यूक चल रहे हैं आतंक डाल के पूरे रोड में, क्या फीलिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है, मतलब काफ़ी क्रेजी हो जाना था वो सब, काफ़ी क्रेजी हो जाना था, मतलब छोड़ दो नेक्स्ट लेवल होना था। और उसका ड्यूक इतना ज़्यादा लाउड था, पता नहीं उसने कौन सा एग्जॉस्ट डलवाया था या नहीं भी डलवाया था, पता नहीं क्या किया था उसने अपने एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ, मेरे वाली की तो आवाज़ भी नहीं आ रही थी उसके सामने। और पीछे से उसने टेल लाइट भी हटाई हुई है अपना, और पूरा पीछे जो बैक का टायर है ना वो दिख रहा था, वो चीज़ काफ़ी बेटर लग रही थी उसकी। चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी। अभी बस यार पहुंच गया घर, एक छोटा सा स्पिन मारा था, घूम फिर के आ गया हूँ घर को, लौट के बुद्धू घर को आए, तो बस अभी घर पहुंच गया हूँ, घर जाके टीवी देखेंगे और मिलेंगे फिर आपको फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। सामने कौन सी बाइक है, हार्ले है कौन सा हार्ले थी, बंदे ने विक्ट्री दिखाई। इधर बाइकर कम्युनिटी इधर की ऐसी है कि अगर आपको कोई भी बाइक वाला या फिर मतलब कोई भी बाइकर आप उसको क्रॉस कर रहे हो या वो आपको क्रॉस कर रहा है, तो हम एक गेस्चर देते हैं ऐसे विक्ट्री करके, एक कम्युनिटी होती है वो सब, दैट्स इट। तो मेरे साथ साथ ही चल रहा है, पीछे चल रहा है, पर यार मैं चाहता था कि सुपर ड्यूक मुझे ज्वाइन करे और हम रास्ते में आतंक डालते हुए जाएं, बट वो बंदा चला गया अपने रास्ते। बट दैट्स ओके, नेक्स्ट टाइम अगर फिर कभी मिला तो राइड करेंगे साथ में। तो बस अब आ गया घर थोड़ी देर में, चलते हैं घर को और करते हैं व्लॉग ख़त्म, एंड नेक्स्ट मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग के साथ। वैसे नेक्स्ट व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ इस बाइक को ऑफ रोडिंग पर लेकर जाऊँ, देखते हैं क्या होता है, ऑफ रोड करके देखते हैं इसमें कितना मज़ा आएगा। और आगे जा रही है सामने पुलिस वाली गाड़ी, शुक्र है पहले ही दिख गई मुझे, अगर नहीं दिखती तो इसने मुझे देख लेना था, और अगर ये मुझे देख लेती पुलिस वाली गाड़ी तो मेरा मुश्किल हो जाना था। अब मैं कटिंग नहीं करूँगा, अब मैं इंसानों की तरह चलाऊँगा। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं अभी ख़त्म, क्योंकि अभी कटिंग भी नहीं कर सकता, तेज़ भी नहीं चला सकता, क्योंकि सामने पुलिस वाली गाड़ी है, ये देख लो यहाँ की टोरंटो पुलिस, तो अभी कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी इसको करते हैं व्लॉग को ख़त्म, और मेरे पीछे वाली लाइसेंस प्लेट भी टूटी है, कहीं इसने देख ली तो पकड़ लेगा। तो यार दैट्स इट फॉर द डे, एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए सारे मज़े करो,